हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर दोस्तों। और आज हम बात करेंगे जो हमारे स्कूल की बसेज होती हैं और कॉलेजेस की बसें होती हैं वो पीले रंग की क्यों होती हैं। क्या दोस्तों आपने तो स्कूल की बसेज देखी होंगी कि किस कॉलेजेस की बसें देखी होंगी कि, लेकिन क्या आपने इस चीज़ पर कभी गौर किया है कि ये पीले रंग की क्यों होती हैं? तो चलिए दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि जो स्कूल की बसें होती हैं वो क्यों पीली रंग की होती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। हो सकता है आपके भी मन में आया हो कि ज़्यादातर स्कूली बसों का कलर पीला क्यों होता है। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों के बस पीले रंग के होने चाहिए। तो आखिर ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से पीले रंग को ज़्यादा तवज्जा दिया जाता है हमारे स्कूल की बसों में? और आपको बता दें कि यह केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी यह नियम है कि जो स्कूली बसें होंगी उनका कलर पीला होगा। तो चलिए बताते हैं इसका रीज़न क्या है। इसके पीछे यही वजह है कि बाकी रंगों की तुलना में पीले रंग में 1.5 गुना ज़्यादा आकर्षण होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में यह आंखों को जल्दी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, 1930 में अमेरिका में इस बात की सबसे पहले पुष्टि की गई थी कि पीले रंग में जो आकर्षण होता है वो और किसी अन्य रंगों में नहीं होता है और पीले रंग को देखने में जितनी आसानी होती है हमारे आँख को और अन्य किसी रंग को देखने में इतनी आसानी नहीं होती है, और यह कोहरे कोहरा हो या बारिश हो रहा हो तो ये उस समय आँखों को जल्दी दिखाई देती है। यही रीज़न है कि स्कूली बसों का रंग पीला रखा जाता है। आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूली बसों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जो इस प्रकार है। पहला, स्कूल की बसें पीली होनी चाहिए। दूसरा, उस स्कूल पर बस पर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए तथा प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। तीसरा, उसमें बस के अंदर प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। चौथा, ड्राइवर का पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। यदि कोई स्कूली बस में इन सब बातों को नज़रअंदाज करता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।